आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग, और हम कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं आज कस्टम फॉर्मेटिंग के ऊपर। सबसे पहले जानिए कस्टम फॉर्मेटिंग आखिर करता क्या है। तो बेसिकली कस्टम फॉर्मेटिंग आपका जो नंबर है उस नंबर में जो आप लिखते हैं उसको किसी और विजुअलिटी के साथ शो करना कस्टम फॉर्मेटिंग कहलाता है। जैसे कि मुझे इसमें चेक नंबर लिखना है, अब मैं 001236 करता हूं तो 0 एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इसमें 0 एक्सेप्ट करे, ठीक है सर जी। मैं चाहता हूं कि 0 एक्सेप्ट करे, तो मैं राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल में गया। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास बॉर्डर इसमें नंबर में मैं कस्टम पे आता हूं। अब यहां पे मैं 6 डिजिट का होता है, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम 0 डाल दिया, तो आप देखिए कि आपको 0 आ गया, राइट। अब यहां पे एक ध्यान रखिएगा, जैसे 1336 है ना, तो विजुअल क्या है 001336, बट एक्चुअल में हमारा 1336 है, बट हमारी विजुअल जो है हो रही है 1666। यही काम आपका कस्टम फॉर्मेटिंग होता है कि वो अलग अलग तरीके की विजिबिलिटी देता है, बट ओरिजिनल चेंज होता है, क्योंकि सिंपल सा आपका एक्सेल का मेथड है कि एनी फॉर्मेट नेवर चेंज द ओरिजिनलिटी, जस्ट चेंज द विजिबिलिटी। तो अगर मान लीजिए कहीं पे किसी ने सिंगल कोड के साथ टाइप किया 001336, तो उस समय ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, देखने में दोनों एक जैसे हैं। अब बोलोगे सर ये यहाँ पे कोड दिख रहा है तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूं, तो अब दोनों में देखने में एक ही जैसा लग रहा है, बट ये एक्चुअल 001336 है, बट सिर्फ ए 1336 है। ओके जी। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई कि मेरे पास बैंक के जो स्टेटमेंट आए थे उसमें चेक नंबर इस तरह से है, एक्चुअल में उसमें 00 लगा हुआ है, और मैं अपने अंदर जो डेटा स्टोर किया था उसमें मैंने ये डाल रखा है। अब दोनों में वी लुकअप नहीं लगेगा, मैच नहीं लगेगा, तो कुछ ऐसा किया जाए कि मैच लगे। तो उस केस में उन्होंने कस्टम फॉर्मेटिंग इस पे लगाया था, अब यहां पे कस्टम फॉर्मेटिंग ना लगाएंगे। लेकिन जो कस्टम फॉर्मेटिंग में जो हमने जीरो या कोड का इस्तेमाल किया था, उसी चीज का इस्तेमाल इन्वर्टर कमांड में हम टेक्स्ट फॉर्मूला में रखेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट सर। तो यहां जो देगा एक्चुअल में 001336 है, राइट सर। अब मैं यहां पे दोनों को बराबर करूं सेम होगा। तो यहां एक चीज नोट कर लीजिए, आगे चल के जो जो भी हम कस्टम फॉर्मेटिंग के कोड पढ़ रहे हैं, अगर मुझे विजिबिलिटी चाहिए तो भी अप्लाई जस्ट फॉर्मेटिंग, लेकिन मुझे उसकी ओरिजिनल चाहिए तो हम उसी चीज को किसमें इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेट। ये क्लियर है? हेलो जी। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। हेलो, सॉरी सर, म्यूट हो गया था जी। अब चलिए और भी चीजें देखते। अब जैसे कि
मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूँ। अब मैं जैसे मोबाइल नंबर में +91888 लगाता हूँ तो यहाँ पे दिक्कत है। वो दिक्कत है कि प्लस तो लेगा नहीं, क्योंकि प्लस से फॉर्मूला समझ लेता है, इक्वल एंड प्लस से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है। सो फॉर्मूला यहाँ इक्वल यहाँ एक्सेप्ट नहीं, राइट सर। पहले चीज, दूसरी चीज, अगर मैं इसमें मान लीजिए इक्वल साइन लगाता भी हूं, इक्वल साइन अगर लगाता भी हूं, सॉरी अगर मान लीजिए कि मैं सिंगल कोट लगाता भी हूं, तो इसमें एक साइंटिफिक फॉर्मेट भी हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ नंबर लिखू, या किसी ने सिर्फ नंबर मुझे टाइप करके भेजा हुआ, और मैं चाहता हूं इसमें +91 प्रीफिक्स में आ गया, तो मैं जो एरिया है पे चाहिए उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जो टाइप हो गया या जिस पे टाइप करना है, और यहाँ पे +91 देके और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल दिया। अब यहाँ पे नंबर से दूसरा नंबर लिख दो अपना 8 2 6 8 2 8 0 9, ठीक है जी सर, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है सर, चलो। अब इसमें एक चीज हो गया, अब दूसरा इसमें एक चीज और आते हैं, बात करते हैं कि इसमें अब मैं नंबर अगर कोई गलत डालता हूं तो 0 लग जाता है। अब यहां पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि नंबर कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो यहां पे जहां पे आपको डिजिट मेंटेन नहीं करना है वहां पे 0 के जगह पे आप देंगे हैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिजिट मेंटेन नहीं करेगा आपका हैश। अब यहां पे एक चीज और है, ये तो हो गई हमारे, अब दूसरी चीज यहां पे देखी जाती है, हाँ दूसरी चीज यहां पे देखी जा रही है, अगर मान लीजिए मैं यहां पे आईडी डालता हूं, मैं चाहता हूं हर 3 डिजिट के बाद हैश लग जाए, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा कस्टम, और यहां पे मैं 3 बार हैश दूंगा डैश डैश एंड डैश, यहां पर मैं दूंगा 1 2 3 4 5 6, हेलो सर, सुन, हेलो सर आपको, हाँ इसमें सर अगर हम हैश की जगह 0 यूज करें तो क्या डिफरेंस आएगा? वो मैं 0 और हैश के बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है? ठीक, 2 मिनट बताते हैं 0 और हैश क्या यूज करते हैं। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अकाउंट नंबर लिखना है, और अकाउंट नंबर में मैं चाहता हूं कि पूरा अकाउंट नंबर दीजिए, क्योंकि मेरा अकाउंट नंबर 12 डिजिट का है, 11 डिजिट का अकाउंट नंबर दिख गया, जैसे मैं 12वां डिजिट ऐड करूंगा और साइंटिफिक फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए अब कुछ नहीं करना है,
इस पे जाइए, राइट क्लिक में जाइए, फॉर्मेट सेल में जाइए, कस्टम पे आइए और यहाँ पे जस्ट एक जीरो या एक हैश दे, आपका अकाउंट नंबर पूरा दिखेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ आपको दिखेगा सिर्फ 15 डिजिट का, आपका 13वां नंबर, 14वां, 15वां दिख रहा है। जैसे मैं 16वां नंबर यहां डालूंगा तो जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ कि आपके जो सिस्टम है सर, जो आपका पीसी है, वो पीसी सिर्फ पंद्रह डिजिट तक की कैलकुलेशन को अफोर्ड कर सकता है, 15 डिजिट से ज्यादा की कैलकुलेशन को वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा हो। ठीक है, क्लियर है सर आपको? जी। अब चलिए हम इसमें हैश और जीरो का फंडा समझते हैं। देखिए कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे 1500 लिख दिया हमने, राइट। अब मुझे मान लीजिए कि 1500 नहीं, मुझे चाहिए एमआरपी 1500। अब प्रॉब्लम है कि एक्चुअली में एमआरपी 1500 लिखूंगा तो एक तो टेक्स्ट हो जाएगा ना, इसमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन की तो नहीं हो पाएगी, राइट सर। अब यहां पे ये दिक्कत हो गई कि कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, तो कैसे होगा? तो हमें तो चाहिए कि भाई एक्चुअल में वो 1500 हो, लेकिन विजिबल हो एमआरपी 1500, मतलब कि हर एक नंबर के आगे प्रीफिक्स में हमें एमआरपी लगाना है। तो मैंने यहां पे कस्टम फॉर्मेट में गया और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में एम आर पी कर दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा क्यों किया? क्योंकि एक टेक्स्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जीरो दे देता हूं, तो 1500 आपका दिख रहा है। अब जीरो दे दिया कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जीरो से दिक्कत होगा, मान लो डेसिमल में लिखता हूँ 5, तो जीरो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस में, हाँ आपका जीरो दिखेगा, ठीक है ना सर। यही मैं अगर हैश कर दू मैं तो बंद दिख रहा है, जीरो नहीं दिख रहा है। अगर मैंने इसको डेसिमल हटाया भी तो 0.50 है, 0.50 नहीं है ना सर। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं सर? नहीं, क्लियर नहीं होता। नहीं समझ में आया आपको? नहीं। देखिए हमने जीरो किया, यहाँ पे एमआरपी जीरो किया, जो वहां दिख रहा है राउंड हो गया, मैं यहाँ से डेसिमल प्लेसेस बढ़ाता हूँ तो 0.50 दिखा, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी यहाँ करता हूँ, अब इस पे मैं क्या करता हूँ कि जीरो हटा के हैश कर देता हूँ, हैश कर लिया, यहाँ भी वन दिखा, जैसे डेसिमल पर आया 0.5। तो मिनटू से जीरो का यूज बेटर है हैश से? हाँ, जीरो अगर जब लगाते हैं तो डिजिट मेंटेन करता है, अगर नंबर हुआ तो नंबर दिखेगा, नहीं अगर जीरो हुआ नंबर नहीं हुआ तो जीरो दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दो जीरो कर दिया, दो जीरो कर दिया, यहाँ पे देखिए जीरो वन दिख रहा है, अब 15 लिखूंगा तो 15 दिखाएगा, 9 लिखूंगा तो 09, क्योंकि दो डिजिट उसको मेंटेन करना है। और अगर हम 150 लिखना चाहते हैं तो 150 भी आएगा। मिनिमम हमें डिजिट मैक्सिमम कौन सा करें, 50 लगे तो हटा देगा। जितनी हमें डिजिट चाहिए उतनी जीरो लिखनी है या एक जीरो लिखेंगे तो कितनी डिजिट ले लेगा? देखिए अगर जितना डिजिट आपको मेंटेन करना है, जैसे कि जनरली मेंटेन करते हैं वो दो होता है, कहीं कहीं पे तीन डिजिट मेंटेन होता है 100 का,
वहां पर तीन डिजिट होता है, तीन जीरो लगता है। कस्टम फॉर्मेटिंग, हाँ कस्टम फॉर्मेटिंग में एमआरपी के बाद हमें एक जीरो लगानी है कि तीन जीरो लगानी पड़ेगी सर? अगर एक जीरो लगाते हो तो फिर आप होगा उसमें जीरो पॉइंट करके आएगा, दो जीरो लगाओगे तो आपको दस तक जो नंबर लिखोगे उसमें जीरो जीरो लगा देगा, उसे वन जीरो वन कर देगा, टू होगा तो जीरो टू कर देगा, थ्री होगा तो जीरो थ्री कर देगा, समझ गया? अगर मैं MRP के आगे दो जीरो लगाता हूँ और फिर लिखता हूँ मैं 150, समझा रहा हूँ, अगर मैं तीन जीरो कर दिया तो फिर वो 100 आ गया, ये 100 हो गया, तो एक से लेकर वो जीरो 10 तक दो जीरो और 10 के बाद एक जीरो लगा देगा, तीन डिजिट को मेंटेन करेगा, जैसे हुआ ना अगर मैं वन कर दिया तो 001 आ गया, और मैं किया 100 आ गया, 50 किया और 100 किया तो 100 रहेगा। अब था लेकिन 1000 होना चाहिए हमारा, यू कैन इंक्लूड द 1 0। अब यहाँ पे चार डिजिट मेंटेन कर रहा है, तो अगर आप एक लिखोगे तो 3 0 आगे लगा देगा, 20 लिखोगे तो 2 0 लगा देगा, 100 101 लिखा तो 1 0 आगे लगा देगा, और 1500 लिखता हूँ दो तो फिर 2 0 दे देगा। जीरो हैश देना जरूरी क्यों है? कि हम अगर जीरो या हैश ना दें तो आपकी डेटा दिखेगी ही नहीं, सिर्फ प्रीफिक्स सफिक्स दिखेगा, जैसे कि यहां पे अब सिर्फ एमआरपी दिख रही है 1502 हट गया, तो जो वैल्यू है उसको दिखाने के लिए आपको जीरो लगाइए या हैश लगाइए। हैश कब लगाएंगे? जब हमें जीरो मेंटेन नहीं करना, चाहे एक लगा दीजिए चाहे 10 हैश लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितना टाइप करेंगे उतना ही दिखे। लेकिन आप जीरो लगाते हैं तो जितना जीरो आपने लगाया है उतना डिजिट वो मेंटेन करेगा, अगर आप कम लिखते हो जैसे यहां पे देखिए चेक नंबर में, तो चेक नंबर में क्या किया हुआ है कि 6 डिजिट को मेंटेन किए हुए हैं। अब कहीं पे 3 डिजिट है तो देखिए 3 0 आगे लगा दिया, कहीं पे 4 डिजिट था तो 2 0 आगे लगा दिया, कहीं पे 5 डिजिट है तो 1 0 आगे लगा के, लेकिन पूरा जितने भी कॉलम है उसमें हर कॉलम का डिजिट 6 ही होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ज्यादा नहीं लिख सकता, मैं इसे ज्यादा नंबर भी लिख सकता हूँ, तो फिर कस्टम फॉर्मेटिंग वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो अपने आपको पीछे हटा देगा, हट जाएगा, बच गए ये। अब चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ जीरो और हैश के पन्ना में। अच्छा मान लीजिए कि मैं 25 रुपए और 36 पैसे लिखता हूँ। अब इसको एक अलग तरीके का शो करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टम में जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जीरो और हैश देता हूँ और यहाँ पे रुपीज इन बटे को मान लीजिए, ठीक है, रुपीज और फिर .00 एंड हैश। अब देखिए कि मैंने यहां पे है जीरो और हैश लगाया, अब क्यों लगाया चलता है। अगर मैं मान लीजिए अभी दिख रहा है सर 20 रुपीज एंड 36 पैसा, मान लीजिए कि मैं हैश नहीं, मैं यहां पे 00 लगा दू, राइट, डबल जीरो लगा दिया तो क्या होगा कि मैं सिर्फ 50 पैसे लिख रहा हूं तो 00 50 पैसे आए, ये थोड़ा सा और लग रहा है ना क्या जी। तो मैंने बोला कि मैं चलो हैश लगा देता हूं, अब हैश लगा दीजिएगा तो रुपीज 00 पैसे देखिएगा 0 हट जाएगा, ये भी और लग रहा है, तो मैं बोलता ठीक है मैं 1 0 लगा देता हूं, तो 2 नहीं 1 0 यहां लगा, मैंने यहां पे 1 0 लगा दिया तो रुपीज 50 पैसा है, लेकिन 5 रुपए मैं 80 पैसा डालता हूं तो 5 रुपीज 80 पैसा आ रहा है, लेकिन मुझे 2 डिजिट मेंटेन करना है, यहाँ पे 5 होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने 0 के बाद एक हैश लगाया ताकि
दो डिजिट मेंटेन है, क्लियर है? लेकिन ध्यान रखिएगा डेसिमल में हमेशा आप जीरो जीरो ही लगाएं, कहीं भी डेसिमल यूज करें तो डॉट जीरो जीरो लगाएं, यहाँ भी हैश लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हैश लगा दिया मैं दो बार, अब देखिए 8 पैसा दिख रहा है, अगर 88 पैसा होता तो 88 दिखता, 3-4 88, लेकिन जीरो जैसे हुआ जीरो हटा दिया। अब यहाँ 8 पैसा दिख रहा है, थोड़ी सी यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको कंफ्यूजन हो रही है ना, इसलिए जब भी आप डेसिमल यूज करें कहीं भी इस एग्जांपल में नहीं किसी भी एग्जांपल में, वहां पे आप डॉट जीरो भी इस्तेमाल, ठीक है सर? हेलो जी, क्लियर है जी? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने 1000 लिखा, यहाँ पर मैंने 25,000 लिखा, अब मुझे अमाउंट को 1000 में कन्वर्ट करना, तो कस्टम में मैं यहाँ पे एक हैश डालू अनकॉम, ठीक है? रहेगा तो 25,000 बट डिजिटल होगा जस्ट 25। अब इसका यूज हम लोग लगते हैं चार्ट्स में, जहां करोड़ों का हिसाब होता है उसमें करोड़ों का था कंपेयरिंग करना दिक्कत हो जाता है, तो वहां पे हम एक अमाउंट इन 1000 कर देता है तो वो करोड़ को 100,000 में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मान लीजिए ना कि इसको कर दिया 1522 करोड़, सही 1000। अब इसके आगे कुछ अपना इनिशियल लगाना चाहते थे के लगाना, ठीक है? लेकिन अमाउंट को आप इन करोड़ में भी कर सकते हो। हाँ देखिए, जीरो यहाँ पे मैंने 0.00 और मैं यहाँ पे डबल कॉमा लगा रहा, तो 2,52,00,000, ठीक है? अब यहां पे कस्टम फॉर्मेटिंग में हम करोड़ लाख के लिए नहीं है, करोड़ पे यूज होता है, क्लियर है सर? हेलो, एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, तब क्लियर होगा। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे या फिर हम एक आर्टिकल भेज रहे हैं सर, ठीक है? एक क्योंकि अगला जो आगे का टॉपिक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ने के लिए दे रहा हूँ जिसमें सारा चीज दिया हुआ है, और वो आर्टिकल मेरा नहीं, राइट सर? प्लीज सर, आज उस आर्टिकल को पढ़ लीजिए, फिर अगली क्लास में हम आपके साथ मिलेंगे, ठीक है? मेरे को आर्टिकल और सर आज की रिकॉर्डिंग में दे दीजिएगा, ठीक है? जरूर जी, मैं अभी आपको भेज देता हूँ, ठीक सर? मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है? व्हाट्सएप पे, ठीक है? ठीक है, आगे व्हाट्सएप, ठीक है? इसको देखिए फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा सर? सर सर नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, मतलब एक टॉपिक रहेगा आगे? हाँ जी, ये कस्टमर मीटिंग ही है, कस्टमर ठीक है, आंसर आएगा।
आर्टिकल में जो लिख पाए ठीक।